तो एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन को जब हम डिस्कस करते हैं तो इन रियल वर्ल्ड इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू डील विद जस्ट ओनली टू करेंसीज और ऐसा होता भी नहीं है हर कंट्री की अपनी अलहदा से करेंसी होती है तो उस केस के अंदर एक जो क्रॉस एक्सचेंज रेट है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनमिना है आल दो इट इज़ नॉट परफेक्ट बट ये इसको लर्न करते हैं दैन फिर कुछ रियलिस्टिक जो एक्सचेंज रेट्स हैं उनकी तरफ विद द पैसेज ऑफ टाइम हम चलते हैं तो इस केस के अंदर आपके पास जो क्रॉस एक्सचेंज रेट है ये हमें हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप डिफरेंट करेंसीज़ की वैल्यू को जो है वो एग्ज़ामिन कर सकते हैं या डिटामिन कर सकते हैं वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसी करेंसी की जिसके रिस्पेक्ट आप दोनों करेंसी की जो भी एक्सचेंज रेट है उसको फाइंड आउट कर लें तो हम लोगों ने जैसे बात की यहाँ पे दो करेंसीज़ हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं वन इज पाउंड स्टर्लिंग या जिसे आप ब्रिटिश पाउंड कहते हैं एंड अदर वन इज़ यूरो जो यूरोप की करेंसी है उनके दरम्यान हम एक्सचेंज रेट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो प्रिंसिपली हम करेंगे क्या हम सेपरेटली जो यूरो है इसको इन टर्म्स ऑफ डॉलर ले लेंगे एंड देन पाउंड स्टर्लिंग को इन टर्म्स ऑफ डॉलर ले लेंगे एंड देन इन दोनों के जो भी एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ डॉलर होंगे उनको यूज़ करते हुए यहाँ पे हम एक्सचेंज रेट डिटामिन कर लेंगे बिटवीन पाउंड स्टर्लिंग एंड यूरो तो एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं इस पर्टिकुलर फार्मूलाई को हमने यूज़ किया है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर हम लोगों ने बेस बनाया है हम ये ज्यूम करते हैं यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है बिटवीन यू एस डॉलर एंड ब्रिटिश पाउंड इट इज़ टू दैट मीन्स आपके पास टू डॉलर्स चाहिए टू गेट वन ब्रिटिश पाउंड एंड वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट टू फाइव इज एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड योरो सो आपके पास वन पॉइंट टू फाइव डॉलर चाहिए टू गेट वन योरो अब इसको अगर हम इन वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट कर दें डॉलर वैल्यू ऑफ पाउंड स्टर्लिंग डिवाइडेड बाय डॉलर वैल्यू ऑफ यूरो तो जो आपके पास हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू डॉलर्स इनके एक्सचेंज रेट निकाले हुए हैं जो हमने ज्यूम किया है टू डॉलर वैल्यू ऑफ स्टर्लिंग हम लोगों ने ये ज्यूम किया है यू नीड टू डॉलर्स टू गेट वन पाउंड तो वो हम लोगों ने टू वैल्यू यहाँ पे रख ली और इसी तरीके से डॉलर वैल्यू ऑफ योरो जो हम लोगों ने अज्यूम किया यहाँ पे कि वन पॉइंट टू फाइव है उसको हम लोगों ने एज अ डिनोमिनेटर यूज़ कर लिया और जब डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ वन पॉइंट सिक्स ज़ीरो अब ये आर की वैल्यू है बिटवीन यूरो एंड स्टर्लिंग यानी कि पाउंड की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ यूरो। तो आपको पॉइंट सिक्स यूरो चाहिए टू गेट वन पाउंड ऑफ ब्रिटिश करेंसी दैट इज पाउंड आपके पास ब्रिटिश पाउंड को हमने एज अ कॉमोडिटी लिया है एंड देन आपके पास जो यूरो है उसको एज अ करेंसी ले रहे हैं तो ये एक मेथड uh, है एक मैकेनिज्म है दो वैल्यूज को आपस में दो करेंसी करेंसीज़ को आपस में कंपेयर करने की या एक्सचेंज रेट निकालने का बट इन दैट केस यू कैन इमेजिन कि आपके पास मल्टीपल कंट्रीज़ हैं उनके आपस में जो है वो एक्सचेंज रेट आप निकाल सकते हैं लेकिन इट्स अ क्वाइट अ हेक्टिक टास्क अब इसके अंदर कुछ मसले भी आते हैं जैसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इशू इज दैट कि आपके पास डॉलर के साथ जो करेंसी लिंक्ड हैं उनकी अपनी एप्रिसशन और डेप्रिसिएशन रेपिडली हो सकती है और एक्सचेंज रेट अगर आप सपोज uh, थोड़े से अवेयर हैं विद द फाइनेंशियल मार्केट्स तो एक्सचेंज रेट इवन अगर नहीं भी हैं तो एक चीज़ आप अगर आप ऑब्जर्व करें रूटीन लाइफ तो इवन न्यूज़पेपर में भी एक्सचेंज रेट डेली बेसिस पे आपको बताए गए हो बताए गए जाते हैं इसी तरीके से अगर आप न्यूज़ हेडलाइन सुने तो वहाँ पर भी आपको सम ये फिगर्स जो हैं वहाँ पे दिए जाते हैं एक्सचेंज रेट को लेके नॉर्मली पाकिस्तान का इन टर्म्स ऑफ डॉलर और अदर मेजर करेंसीज के साथ कंपैरिजन बताए जाते हैं जैसे पाकिस्तानी रुपी किस तरीके से uh, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर विद रिस्पेक्ट टू पाउंडस्टर्लिंग विध रिस्पेक्ट टू ये जो भी दूसरी करेंसीज हैं इंटरनेशनल करेंसीज उनके साथन यून जो चाइना की करेंसी है तो इस प्रॉब्लम की वजह से जहाँ पे डेप्रिसन और एप्रिसिएशन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में रहती है वहाँ पे एक दूसरा रेट जिसे आप एफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसकी बात करते हैं ये बेसिकली कंपैरेटिवली बेहतर कंसिडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे वेटेड एवरेज ली जाती है दैट मींस वेट्स दिए जाते हैं रिलेटिवली जो इम्पोर्टेंट करेंसीज uh, होती हैं उनको ज़्यादा वेट दिया जाएगा और जो थोड़ी सी रैली रेलेटिवली इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उनको कम वेट दिया जाएगा दैट मीन्स वेटेड एवरी ली जाएगी एक्सचेंज रेट्स की बिटवीन द डोमेस्टिक करेंसी एंड दैट ऑफ नेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर से मुराद क्या है उस पर्टिकुलर नेशन का जो मोस्ट जो ट्रेड पार्टनर्स हैं इंपॉर्टेंट और वो कैसे डिटर्मिन होगा ये जोग्राफिकली सपोज़ लोकेशन वाइज नहीं होगा ये वॉल्यूम ऑफ ट्रेड से होगा दैट मीनस जिस कंट्री के साथ ट्रेड वॉल्यूम ज़्यादा है वो आपके लिए ट्रेड पार्टनर इम्पोर्टेंट है लाइक like अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो ट्रेड वॉल्यूम है सपोज़ अगर आप सिंगल कंट्री के, के केस में देखें दैट इज़ हाइसट विद द चाइना जहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का देखा जाए आल दो इट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज वी आर एक्सपोर्टिंग जस्ट अराउंड थ्री बिलियन एक्सपोर्ट्स एंड वी आर इम्पोर्टिंग अराउंड फोर्टीन बिलियन कोम वर्थ ऑफ कॉमोडिटीज़ तो अब आप ऑलमोस्ट सेवनटीन बिलियन का ट्रेड वॉलीम बनता है लेकिन वो फेवरेबल नहीं है इसके अगेंस्ट uh, अगर आप यू एस ए केस में देखें तो वहाँ पर हमारा ट्रेड वॉलीमोस्ट एट बिलियन है एंड दैन वहाँ पर जो आपकी सेवन पॉइंट समथिंग बिलियन है जो फोर बिलियन के करीब हमारी एक्सपोर्ट्स हैं और आलमोस्ट थ्री पॉइंट फाइविंग बिलियन की इम्पोर्ट्स हैं तो ऑलमोस्ट बैलेंस है या थोड़ा सा स्लाइटली इन फेवर ऑफ पाकिस्तान है इसी तरीके से और ऐसी कंट्रीज आपको यूरोपियन कंट्रीज मिलेंगी जिनके साथ हमारे ट्रेड टाइज हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो so, पाकिस्तान का इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर आपने मैयर करना है तो यू विल हैव टू बेसिकली कंसीडर कंट्रीज आर इम्पॉर्टेंट एंड हैव आ ग्रेटर अमाउंट ऑफ ट्रेड वॉल्यूम विद पाकिस्तान सिमिलरली फॉर द यू एस ए जहाँ पे आपको यू विल कंसिडर चाइना यू विल कंसिडर कैनेडा यू विल कंसिडर मैक्सिको जिनकी उनके साथ इवन फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पे उनके ट्रेड वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हैं या ट्रेड लिंक टाइज हैं बहुत ज़्यादा तो उनकी बेस के ऊपर उनकी करेंसीज़ को वेट्स दे के एक एक्सचेंज रेट बनाया जाता है जिसको अफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं